हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड एन्जॉइंग एंड लर्निंग द वीडियो आई एम रीमा चौहान फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग विथ साइंस सब्जेक्ट इन थर्ड स्टैंडर्ड जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोज़ देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़े थे है ना स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर सिक्स फूड्स वी इट कंप्लीट किया था एंड आई होप कि आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में वेरी गुड हैंडराइटिंग में लिखे भी होंगे और उसको लर्न भी किया होगा है ना स्टूडेंट्स सो so, आज के वीडियो में हम लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन विदाउट स्पीकिंग स्टूडेंट्स ये एन बुक में से है जो आपके पास अभी वो बुक अवेलेबल भी होगी सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन दिस चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन सीइंग विदाउट स्पीकिंग स्टूडेंट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सेंस ऑर्गन्स स्टूडेंट्स वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स फर्स्ट वन इज

बट जो हमारा ये चैप्टर नंबर सेवन है वो हमारे साइंस ऑर्गन्स के रिलेटेड है जो हमारी आइज़ है वो हमें देखने के लिए हेल्प करती है है ना हमारे जो ईयर्स है वो हमें सुनने के लिए हेल्प करते हैं जो हमारा नोज़ है वो हमें जो मम्मी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है उसकी स्मेल लेने के लिए फ्लावर्स की स्मेल लेने के लिए परफ्यूम की स्मेल लेने के लिए हमें हेल्प करता है ना स्टूडेंट्स और जो हमारी टंग है वो टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए हमें हेल्प करती है और जो हमारी स्कीन है वो हमें फील करने के लिए हेल्प करती है है ना स्टूडेंट्स ये आप सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हो है ना आई नो दैट बट ये है हमारे इस चैप्टर के रिलेटेड है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको साइंस ऑन गैन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे दी ओके नाउ कम टू अवर चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन स्टूडेंट हम ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक गेम खेलेंगे ठीक है जिसका नेम है डम शेरेट्स शायद आपको ये गेम के रिलेटेड कुछ पता भी होगा और किसी बच्चों को नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ ठीक है लेट्स अस प्ले अ गेम हमारी गेम का नाम है डम शेरेट्स इन दिस गेम एवरी वन हैज़ टू लेट अदर नो वॉट दे वॉन्ट टू टैल विदाउट डिवाइड योर सेल्फ इन टू ग्रुप सेवन सी स्टूडेंट्स ये डम शेरेट्स गेम में क्या होता है टू ग्रुप्स होते हैं चाहे कितने भी पर्सन ले लो ठीक है टू ग्रुप होते हैं उसके अंदर क्या करना होता है जिनका टर्न होता है वो विदाउट स्पीकिंग मतलब कि बोले बिना कुछ बताते हैं एक्टिंग करके बताते हैं है, है ना शायद आपने मूवीज में भी ये गेम्स देखी होगी है ना और आप खुद भी खेलते होंगे कहीं बाहर जैसे घूमने गए हो फैमिली ट्रिप पे कहीं गए हो या तो घर में ही कभी टाइम पास के लिए दम शेरट्स खेला जाता है है ना इसमें क्या होता है पिक्चर के नेम्स या तो कोई भी कुछ भी नेम्स किसी भी थिंग्स के नेम्स एक्शन करके बताए जाते हैं एक्टिंग करके बताए जाते हैं और जो सामने वाली गेम होती है वो उसका रिप्लाई देती है, है ना सो so, इस गेम का नेम है डम शेर ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देर आर सम पीपल हु कैन नेदर हियर नॉर स्पीक स्टूडेंट्स मोस्टली पीपल बोल और सुन सकते हैं ना मोस्टली ऐसे होते हैं जो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं पर कहीं लोग ऐसे होते हैं कि जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते है. दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर परसन इज सेप मूवमेंट और जो ये डिफरेंट डम पीपल होते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट डम मीन्स की जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते तो जो ऐसे लोग होते हैं वो एक्शन से बात करते हैं ना स्टूडेंट्स और जो हमारी बातें होती हैं वो हमारी लिप मूवमेंट से वो लोग समझ जाते हैं जो हमारा लिप्स जब हम बोलते हैं तो हमारा लिप्स मूव करता है, है ना ट्राई करो तो आप कुछ बोलो देखो आपके लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं yes. येस तो ये जो डिफरेंट डम पीपल होते हैं वो लोग क्या करते हैं हमारी लिप मूवमेंट से हमारी बातें स्टडी करते हैं मतलब कि हमारी बातों को समझते हैं ऑल ऑफ अर्स कैन नॉट डू एवरीथिंग सम ऑफ अर्स सिंग वेल अदर्स राइट गुड पोएट्री कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट सम कैन ड्रॉ वेल अदर्स कैन सिंग इट ट्यून वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ऑन वेज सी स्टूडेंट्स सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते है ना हमारे बड़े जो होते हैं हमारे घर में हमारे एडर्स जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स या तो हमारे parents, वो कहते हैं कि पेरेंट्सोंगलियां बरबर नहीं होती कभी सुना है किसी के मुंह से आपने ऐसी बातें सी सी ओपन योर फिंगर्स एंड कि क्या आपकी फाइव फिंगर्स सेम है नहीं होगी है ना छोटी बड़ी छोटी बड़ी है ना आपकी फाइव फिंगर्स देखो तो अपनी फिंगर्स को अपने हैंड को ओपन करके देखो तो है ना सब फिंगर्स अलग अलग सो स्टूडेंट्स पर्सन में भी उस ऐसा होता है सारे लोग अलग अलग होते हैं, है ना सब लोग सब कम नहीं कर सकते ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग है ना सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते कोई अच्छी सिंगिंग कर सकता है कोई गुड पोइट्री लिख सकता है कोई ट्री पे चढ़ सकता है फटाफट कोई फटाफट रनिंग कर सकता है कोई अच्छी ड्राॅइंग बना सकता है कोई अच्छी सिंगिंग ट्यून बना सकता है है ना वी ऑल आर स्पेशल इन अवर ऑनवेज हम हमारे हम बहुत ही स्पेशल है, है ना इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम एच अदर लाइक ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हीयर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैन सी स्टूडेंट्स आप लोग स्कूल जाके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो है न अपने फ्रेंड सर्कल में भी सीखते हो टीचर्स से भी सीखते हो आप टीचर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखती है ना बट जो स्टूडेंट्स मतलब कि जो चिल्ड्रेन डिफ्रेंट डम्ब होते हैं इट मीनस कि जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो लोग भी स्कूल जाते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए है ना अब आप सोचोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है जो सुन नहीं सकता और जो बोल नहीं सकता वो कैसे रीडिंग और राइटिंग करेगा बट स्टूडेंट इट इज पॉसिबल उनकी भी पर्सनली अलग से स्कूल होती है जहां पे उनको साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है क्या सिखाया जाता है स्टूडेंट्स साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है ना उनकी अलग स्कूल होती है पर्सनली और जहां पे उनको स्टडी करवाया जाता है साइन लैंग्वेज है ना सो so, अब हम देखते हैं कि साइन लैंग्वेज क्या होता है ओके okay? सी स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पे आपको ये जो टू पीपल है ये बात कर रहे हैं यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये लोग बातें कर रहे हैं साइन लैंग्वेज है इसको कहते हैं साइन लैंग्वेज और स्टूडेंट्स आप जैसे नर्सरी और प्री uh, स्कूल जाके ए बी सी डी सीखे हो वैसे ये लोग भी साइन लैंग्वेज सीखते हैं सी यहाँ पे आपको ए के साथ कुछ साइन दिया गया है मुट्ठी बन करके जो बताया गया है वो डिफ एन डम पीपल के लिए क्या है स्टूडेंट्स ए है है ना नेक्स्ट है जो बी है ये है सी ये है डी ये है ई e, ये है एफ है ना स्टूडेंट्स ऐसे ही आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो पूरी ए टू जेड ए बी सी डी दी गई है, है ना स्टूडेंट्स तो दिस इज साइन लैंग्वेज जो डिफरेंट डम पीपल को सिखाया जाता है उनकी स्कूल में है ना स्टूडेंट्स और फिर ये जैसे ये सीख जाते हैं तो इस लैंग्वेज में इट मीन की साइन लैंग्वेज में वो लोग क्या करते हैं बातें करते हैं क्लियर हुआ स्टूडेंट्स साइन लैंग्वेज के अलावा भी स्टूडेंट्स और भी लैंग्वेज होती है जो हम आगे देखेंगे ठीक है इसके पहले हम एक छोटा सी मैच कर लेते हैं है ना वन हु कैन नॉट सी जो नहीं देख पाता है उसे हम क्या बोलेंगे ब्लाइंड पीपल है ना चलिए so, तो तो आपने कभी रोड पे देखे रेड या तो व्हाइट कलर की स्टिक लेके ब्लाइंड पीपल चलते हैं देखे कहीं अपने ब्लाइंड पीपल या तो कोई डम पीपल या डिफ पीपल आपने देखा हो कि जो रोड पे चल रहा हो या तो कहीं बस में अपने ट्रेन में कहीं भी डिफरेंट डम पीपल्स देखे ब्लाइंड पीपल देखे यस yes. तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए है ना ऐसे तो उनको ज़रूरत नहीं होती है बट अगर अगर उनको नीड है तो प्लीज उनकी हेल्प कीजिए ठीक है कम टू द मैच वन हु कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे डीफ पीपल क्या कहेंगे डीफ पीपल वन हु कैन नॉट हियर जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहेंगे यस वेरी गुड और जो चल नहीं सकता उसको हम क्या कहेंगे लैम स्टूडेंट्स जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है जो लोग हैंडीकॉप होते हैं जो चल नहीं पाते उन्हें कहते हैं लेम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स लैम जो सुन नहीं सकते उन्हें कहते हैं डीफ और जो बोल नहीं सकते उन्हें कहते हैं डम ओके डीफ एंड डम डीफ मीन्स की सुन नहीं सकते और डम मीन्स की बोल नहीं सकते जो देख नहीं सकते उन्हें कहते हैं ब्लाइंड और जो वॉक नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं लैम ओके स्टूडेंट्स ये मैच आपको अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे चैप्टर नंबर सेवन हेडिंग लगाना है एंड देन वेरी गुड हैंड राइटिंग में ये आपको नोट डाउन करना है ओके okay? नाउ आगे देखते हैं क्या है सी यहाँ पे आपको एक छोटी सी पोईम दी है आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हीय सी यहाँ पे एक गर्ल है वो बता रही है कि मेरे पास सिस्टर है और वो क्या नहीं कर सकती सुन नहीं सकती ओके आई हैव अ सिस्टर माय सिस्टर इज डीफ सी स्पेशल देर आर नॉट मैनी सिस्टर लाइक माइन सी उसकी जो सिस्टर है वो डीफ है ना वो सुन नहीं सकती है और वो बता रही है कि मेरी सिस्टर बहुत ही स्पेशल है है ना देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन मेरे जैसी किसी के पास सिस्टर नहीं होगी है ना माय सिस्टर कैन प्ले द पैनो सी लाइक्स टू फील द डीप रंबलिंग चॉट्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग उसकी सिस्टर पैनो बजा सकती है शी कैन नॉट द ट्यून है ना उसकी सिस्टर जो है वो गा नहीं सकती क्यों क्योंकि वो ट्यून नहीं सुन सकती है ना सी लाइक्स टू लीप टू टम्बल

वो उसके साथ स्कूल जाती है है ना और उसकी मम्मी उसको लीप रीडिंग करना भी सिखा रही है क्योंकि जो टीचर है और जो दूसरे बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज वो समझ नहीं पाती है ना देन जो गर्ल है जो ये स्टोरी जो ये पोएम बता रही है वो क्या कह रही है कि यस्टरडे मैंने मेरे सनग्लासेस पहने द फ्रेम वेर वेरी लार्ज फ्रेम बड़ी थी The lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. सी क्या हुआ जब उनने ब्लैक कलर के बड़ी सी फ्रेम वाले चश्मे पहने तो उसके सिस्टर ने क्या किया उसको ऊपर कर दिया सी स्क्रीन पे दिख रहा है है ना? जब वो कुछ बोली तो उसकी सिस्टर ने वो चश्मे को क्या किया ऊपर कर दिया है ना? क्यों क्योंकि उसकी फ्रेम बहुत बड़ी थी और उसके ग्लास कैसे थे ब्लैक कलर के थे है ना वट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज क्यों ऊपर किए क्योंकि उसकी वो क्या बता रही है मेरी ब्राउन आइज उसकी ब्राउन आइज से जो कुछ कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था सी स्टूडेंट इट मीन्स कि हमारी आँखें भी हमारे मूड्स बताती है मीन्स कि जब हम कुछ सोचते हैं जब हम सैड होते हैं जब हम हैप्पी होते हैं तो वो हमारे मूड भी हमारी आइज से पता चलते हैं है ना ये जो चश्मे सिस्टर के इसने ऊपर किए वो क्यों किए क्योंकि उसकी ब्राउन आईज कुछ कह रही थी वो समझने के लिए है ना स्टूडेंट्स हमारी जो होती है उससे बहुत कुछ पता चलता है है ना हमारे मूड्स हमारा अभी नेचर कैसा है हम क्या सोच रहे हैं वो हमारी आईज से भी पता चलता है, है ना सी पीपल हु कैन नॉट सी जो पीपल देख नहीं पाते उनको बोलते हैं ब्लाइंड पीपल आगे हमने मैच में देखा स्टूडेंट्स है ना सो यूज ब्रेल लिपि वो लोग ब्रेल लिपि यूज़ करते हैं स्टूडेंट ब्रेल लिपि इट मीन्स की डॉट डॉट वाली एक लैंग्वेज आती है जिसको वो लोग टच करके रीड करते हैं अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग यूजिंग लिटल राउंड मार्क्स दैट आर हायर देन द लेवल ऑफ द पेपर दे आर ऑन एंड विच ब्लाइंड पीपल कैन रीड बाय टचिंग दैम इट मीन्स की जिन लोगों के पास आंखें नहीं होती जो लोग देख नहीं पाते जैसे कि ब्लाइंड पीपल वो लोग क्या करते हैं ऐसे कुछ उभरे हुए सर्कल वाले कुछ ऐसी लिपि जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है है ना वो उनको टच करके रीडिंग करते हैं, है ना इस लिपि को बोलते हैं ब्रेल लिपि मैं आपको पिक्चर्स में दिखा देती हूँ मैंने एक बार ट्रेन में ये ब्रेल लिपि देखी थी रेलवे कंपार्टमेंट में सी ये भी है सी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे कुछ सर्कल सर्कल्स उभरे हुए छोटे छोटे है ना सी यहाँ पे भी है एंड देन यहाँ पे भी है है ना स्टूडेंट्स आपने भी आ, ट्रेन कंपार्टमेंट में शायद कहीं ऐसा देखा हो या कहीं और भी देखा हो है ना तो ये है ब्रेल लिपि ये क्या लिखा हुआ है इमरजेंसी ओपनेबल विंडो ब्रेक ग्लास एंड टूल चेन रिमूव द रबर एंड ग्लास यूनिट स्टूडेंट्स हम ये रीड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पाइस हमारे पास आइज है बट जो ब्लाइंड पीपल है वो इस ब्रेल लिपी को ये जो ये चीज़ है उसको टच करके रीड करेंगे जैसे हम रीड कर रहे हमारी आई से वो सिर्फ अपनी फिंगर से टच करके इसको रीडिंग करेंगे और ये भी है ब्रेल लिपी जो उनको उनके स्कूल में एजुकेशन दिया जाता है कि इसको टच करके कैसे रीड किया जाता है ना स्टूडेंट्स ये देखो क्या आपने कहीं देखा है ऐसा किसी को रीड करते हुए टच करके या ऐसा बोर्ड आपने कहीं देखा हो डॉट्स वाला मैंने तो ये रेलवे कंपार्टमेंट में देखा है जहां पे डॉट डॉट वाली जो ब्रेल लिपी है वो दी गई है है C, है ABCD, है ना ना स्टूडेंट्स सी ये ब्रेल अल्फाबेट्स नीचे आपको जो आप लोग पढ़ते हो जो हम लोग पढ़ते हैं वो एबीसीडी दी गई है एंड जो ऊपर है डॉट डॉट वाली वो है ब्रेल लिपि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन तो ये लोग भी ब्लाइंड पीपल भी स्टूडेंट्स रीडिंग कर सकते हैं और आगे जैसे मैंने आपको फिंगर्स की साइन बताई वो डिफरेंट डम्प पीपल भी फिंगर्स से बातें कर सकते हैं है ना स्टूडेंट्स ये जो ब्रेन लिपी है वो ब्लाइंड पीपल के लिए है और जो फिंगर्स वाली मैंने आपको बताई थी वो डिफरेंट डम पीपल के लिए साइन लैंग्वेज अवर आईज अलॉट स्मॉल चिल्ड्रन टैल अलॉट थ्रू देर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टूड अलॉट इट मीन्स की स्टूडेंट्स हमारा जो फेस है हमारी जो आइज है उससे बहुत कुछ पता चलता है, है न बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे बोलने से पहले ही हमारे फेस से या तो हमारी आइज से बहुत कुछ समझ जाते हैं ना जैसे कि आप कभी स्कूल से कभी टीचर ने मारा हो और आप रोए हो और घर पर जाके मम्मी को बद बत बताना तो भी मम्मी खुद बता देगी है ना कि आज तो मार पड़ी है तो आज तो डांट पड़ी है है ना या तो बहुत भूख लगी हो तो भी अपने फेस से पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है है ना स्टूडेंट्स तो आगे मैं आपको कुछ फेसेस बताऊंगी जिसका आपको मुझे रिप्लाई देना है ठीक है सी दिस इज आफ्ताब हिज फेवरेट है ना स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है Yes, जिसमें आईज़ नोज लिप्स नहीं है है ना क्लियर क्लीन फेस है है ना तो ये है आफ्ताब और उसका फेवरेट टॉय गिर के टूट गया है तो वो सैड है तो उसका फेस कैसा होगा सैड फेस होगा है ना स्टूडेंट्स तो आइए हम ड्रॉ करते हैं सैड फेस ओके सी यहाँ पे हम बना देते हैं आई छोटी सी और उसका फेस सैड है तो हम ऐसा बना देंगे है ना स्टूडेंट्स ये सैड फेस है नो no, ये सैड फेस नहीं है सैड फेस में ऐसे आता है है ना आप आ, नर्सरी सीनियर जूनियर में आपने सीखा होगा सैड हैप्पी ऑपोजिट वर्ड्स जो आप पिक्चर से सीखे होंगे है ना तो तो ये है sad, okay? ये sad face है ना? Right. तो ये है है ओके ना राइट का फेवरेट टॉय टूट गया है और वो कैसा है सैड इट मीन कि हमारे फेस से पता चला कि इसका मूड कैसा है है ना नाउ नेक्स्ट दिस इज जूली हर हिटल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे इज वेरी एक्साइटेड हाउ विल हर फेस सी स्टूडेंट्स ये है जूली और उसकी छोटी सी सिस्टर यस्टरडे मतलब कि कल ही बॉर्न हुई है तो वो कैसी है बहुत ही एक्साइटेड है तो वो कैसी होगी एक्साइटेड वाला फेस मीन की इसकी तो yes. है है लिटल सिस्टर जस्ट यस्टरडे ही बॉर्न हुई है, है ना तो ये हैप्पी है की, इसके फेस से पता चलता है कि ये हैप्पी है है ना दिस इज या मदर टूडे वाई यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक, ड्रो द लुक ऑन हर मदर फेस सी ये जो यामिनी ये है यामिनी की मम्मी और यामिनी से क्या हुआ अचार की बोटल फूट गई है है ना तो मम्मी कैसी होगी yes, बहुत ही गुस्सा होगी मतलब की एंग्री फेस है ना स्टूडेंट्स तो फेस से पता चल गया कि मम्मी एंग्री है है ना नाव दिस इज रेहाना सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स वाइल्ड प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर हाउ विल रेहाना फेस लुक सी जो रेहाना है वो डॉग से बहुत ही डरती है और जब वो खेल रही थी तो सडनली क्या हुआ उसके सामने डॉग आ गया तो अब क्या होगा उसका फेस कैसा होगा यस स्कैरी फेस होगा है ना मतलब कि डरावना फेस होगा है ना इसका तो इट मीन्स कि हम अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं तो हमारी आई से और फेस से हमारे एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं ना स्टूडेंट्स बाई लुकिंग एट समेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी सैड और एंग्री है ना? खाली किसी के फेस को देख के हम बता सकते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है सैड है कि एंग्री है। हैज़ इट एवर that दैट यू हैड डन mischief एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट by लुकिंग एट योर फेस क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मिस्टेक करी हो और आपके फेस से आपकी मम्मी को पता चल जाए कि आपने कुछ मिस्टेक की है है ना सिर्फ आपके फेस को देख के पता चल जाए कभी ऐसा हुआ है यस yes, हुआ ही होगा है ना वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स दिज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव सी आपने uh, कथक है और कुछ अलग टाइप्स के नृत्य आपने कभी देखे उसमें सिर्फ फेस से पता चलता है कि लोग क्या बताना चाह रहे हैं उनके हैंड से और उनके फेस को वो लोग यूज़ करते हैं और अपनी फीलिंग्स हमें शो करते हैं है ना जिसको मुद्रा बोलते हैं और भाव बोलते हैं सी मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगी कि, कि किसको मुद्रा और भाव कहते हैं ठीक है ठीके? वो लोग अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं और अपना फेस ऐसा बनाते हैं कि वो अपनी फीलिंग बता देते हैं बिना बोले है ना सी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लोग अपने हैंड्स का यूज कर रहे हैं और अपने फेस का ऐसा उन्होंने मुद्रा मतलब कि मुद्रा मीन्स की ऐसा उन्होंने अपना फेस बनाया है कि उनके हमें भाव पता चल रहा है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं इस फेस में देखो ये हैप्पी है है ना इसमें देखो इनका स्कैरी फेस है हैंड्स और फेस देखो है ना और इसमें भी स्माइली फेस बना हुआ है है ना इट मींस कि इसको कहते हैं मुद्रा और कहते हैं भाव मुद्रा और भाव मतलब कि बिहेवियर भाव मींस है ना और मुद्रा मींस कि एक्शन है ना स्टूडेंट्स तो बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकते हैं ना लुक एट डू दिस मुद्रास लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम सी ये भी डांस मुद्रास है स्टूडेंट्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है ये है डांस मुद्राएं है, है ना इसका यूज करके कुछ कहा जाता है है ना ये फेस टाइप का है है ना ये डियर के फेस टाइप का है ये है फिश टाइप है ना तो इसका यूज करके डांस करते हैं इन मुद्राओं का यूज करके है ना स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर नंबर सेवन यहाँ पे कंप्लीट होता है है ना इसके बाद आपको एक स्क्वीरल और क्रो की जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है होमवर्क में ठीक है ओके स्टूडेंट्स आपको जैसे आए खुद आपको स्टोरी बनानी है वो स्टोरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है ओके okay? ये आपका चैप्टर नंबर सेवन सेइंग विदाउट स्पीकिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में इसको क्या करना है रीड करना है इस लेसन को ओके okay? एंड एक और काम आपके लिए है आप भी ये डम शेर गेम खेलने का ट्राई करना जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप में सेवन पीपल हो या ज़्यादा पीपल हो या कम हो ठीक है आप टू पर्सन भी होंगे आमने सामने तो भी आप अकेले खेल सकते हो ठीक है अपने पेरेंट्स के साथ खेलो अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ खेलो या तो आपके पास अपने ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके पास भी खेलो ठीक है आप कुछ भी एक्शन करो और वो लोग रिप्लाई देंगे फिर उनका टर्न वो एक्शन करेंगे और आप रिप्लाई दोगे ठीक है तो आपको पता चलेगा कि विदाउट स्पीकिंग कितना प्रॉब्लम होता है तो भी ये लोग जो ब्रेल लिपी यूज करते हैं ब्लाइंड पीपल और जो लोग डिफ्रेंट डम है वो जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो भी वो लोग बहुत इजीली बातें कर सकते हैं है ना बट आप आज ये डम शार ज़रूर खेलना ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट डम पीपल और ब्लाइंड पीपल कितने प्रॉब्लम्स को फेस करके भी इस दुनिया में जी रहे हैं ना उनको हमको प्रॉब्लम लगती है क्योंकि तो हमारे पास टंग है हमारे पास लैंग्वेज है हम बोल पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं हम सुन पा रहे हैं बट जिनके पास ये कुदरती जिनके पास नहीं है उनको प्रॉब्लम नहीं लगती है वो बहुत ही इजीली जीते है ना स्टूडेंट्स सो प्लीज़ ट्राई दिस गेम ओके एंड फील देयर प्रॉब्लम्स ओके नाउ हम मिलेंगे नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन विद दिस चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर ओके स्टूडेंट्स जब तक क्या करना है Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day. Bye bye.